हेलो फ्रेंड्स, आज यम्स एंड प्लम्स आपके लिए ला रहा है एक सुंदर सा पर्पल कलर का केक, जिसमें आप देख सकते हो फॉल्ट लाइन वर्किंग है। आपके सामने ये दिखता रहेगा आपको कि ये वाइट चॉकलेट मैंने मेल्ट करके लिया था और ये मेल्टेड चॉकलेट में मैंने पर्पल कलर ऐड किया हुआ है, और इसको हम लोग ने एक प्लास्टिक शीट के ऊपर फ्लैट पोर किया है, और इसको एक बाउल के ऊपर मैं उल्टा करके रख रही हूँ ताकि मुझे उस चॉकलेट का एक बाउल की जैसा शेप चाहिए। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा सा कर्व्स वगैरह आने के लिए मैं थोड़ा सा क्लिप से उसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ये बाउल काफ़ी छोटा है, तो हम इसको एक शिफ्ट कर लेते हैं ग्लास के ऊपर, तो वो बाउल थोड़ा और डीप लगेगा। मुझे थोड़ा डीप शेप उसका चाहिए था, तो हम ये चेंज उसके अंदर ला रहे हैं और हम इसको वेट करेंगे कि ये सेट हो जाए। ये जो है थोड़ा सा ड्रिप होगा कहीं से ऊपर नीचे, उसको लाइन्स आएंगे तो ये बहुत सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पिंच थोड़ा सा लेके हम लोग उसको कर्व लेके आएंगे। विल सेट दिस इन फ्रिज। अब हमारा केक हम लोग तब तक रेडी कर लेते हैं। ये लेयर्स हम लोग एक के ऊपर एक लगा लेते हैं। फ्लेवर जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है केक बनाने के लिए, दैट इज़ पिना कोलाडा, बहुत सुंदर पाइनएप्पल एंड कोकोनट फ्लेवर का जो ब्लेंड आपको टेस्ट में मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा केक टॉल रहेगा तो 4 लेयर कम से कम यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। स्पॉन्ज केक एंड विप क्रीम एक के ऊपर एक लेयर करके हम लोग लगाते जाएंगे। ये पानी जो है ये ड्रिप कर लेगा पूरा का पूरा स्पॉन्ज में, तो हमारा स्पॉन्ज जो रहता है वो मॉइस्ट होगा, खाते वक्त गले में नहीं अटकेगा, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है। लास्ट लेयर जो है उसको हम लोग थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं, क्रीम अप्लाई करेंगे, क्रम्बल कोट करते हैं। नॉर्मल केक से इसका लेंथ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, दिखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। टॉल केक जो है अभी फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी एडिशनल क्रीम हम लोग साइड्स में लगा के उसको लेवल करते जाएंगे। इवन क्रीम सब जगह पे लग जाए कंफर्म कर लेते हैं, कहीं से कोई साइड छूट रही है तो देखो हम लोग उसके ऊपर वापस से थोड़ा क्रीम अप्लाई कर लेंगे, सो दैट सारा पोर्शन जो है केक का हमारा कवर हो जाए। फाइल का रैप है उसको मैंने कट करके प्लेन सरफेस बनाने के लिए दिया है। स्मूथनिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैपर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्क्रैपर से भी बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट आपको ये पतले फाइल शीट की वजह से मिलेगा। आपके घर में विजिटिंग कार्ड होते हैं सेम, तो आप उससे भी ये कर सकते हो, या फिर कोई भी थोड़ा सा टफ हार्ड प्लास्टिक का पेपर होता है। आज की तारीख में पुल मी अप केक के लिए OHP शीट्स आ रही है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसके भी पीसेस करके ले सकते हो। अभी ये वाइट क्रीम के अंदर मैंने हल्का सा पिंक और ब्लू मिक्स करके पर्पल का एक शेड बनाया है, आप देख सकते हो। ये लेवेंडर कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसको अप्लाई करेंगे। फॉन्ट लाइन के लिए आधा मैंने पाइपिंग बैग से डाला है उसको, और उसको लेवल करेंगे। ठीक है, पूरा हमें कवर नहीं करना है, मैं इफ़ेक्ट ही ऐसा देना चाहती हूँ कि इसका आधा जो शेड है वो पर्पल रहे और ऊपर से वाइट हमें दिखता रहे। ठीक है, साइड्स थोड़े से क्लीन कर लेते हैं जो बोर्ड के ऊपर आ गया है, थोड़ा सा लेवल करने की कोशिश, और स्क्रैपर से स्मूथनिंग इफेक्ट देते हैं। कहीं कहीं जगह पे थोड़े थोड़े बबल्स दिख रहे हैं हमें क्रीम के अंदर, तो वहाँ पे क्रीम जो है अनइवन है, उसको स्मूथिंग कर लिया है।
भी सिल्वर कलर है, एडिबल सिल्वर शिमर जो होती है स्मूथ वाली, उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल का जो लिक्विड होता है वो मैंने हल्का सा ऐड किया है, क्योंकि जो शिमर कलर है, ये शिमर कलर कोई वोडका या वाइन इसके अंदर ही क्या होते हैं थोड़े से अप्लाई करने के लिए स्मूदनिंग इफेक्ट देता है। तो ब्रश से हम लोग इसके जो बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये बॉर्डर्स को हम लोग कलर कर लेंगे। तो देखो इतना सुंदर इफेक्ट उसका दिख रहा है। हमें बहुत हल्के हाथ से ये करना है। ये जो इफेक्ट है इसको बोला जाता है फॉल्ट लाइन इफेक्ट। बहुत ज़्यादा ताकत से इसको नहीं करना है, हल्के हाथ से एकदम लाइट प्रेशर रखेंगे ब्रश के ऊपर और क्रीम के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप प्रेस करेंगे तो सारी क्रीम ब्रश के साथ आ जाएगी। तो एकदम लाइट हैंड आपको इस्तेमाल करना है टू अप्लाई दिस सिल्वर शिमर ऑन द साइड। छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, लाइक स्मॉल ड्रॉप, कोई भी नोजल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। पाइपिंग बैग के अंदर हमने क्रीम फिल की है। स्मॉल डॉट इवन प्रेशर के से साथ हम लोग इसको दे रहे हैं। सिंपल लुक इसका रहेगा, दिस विल लुक लाइक पर्ल बीड्स, देख सकते हैं। स्मॉल प्रेशर ऑन बैग एंड देन रिलीज, सेम प्रेशर आपको अप्लाई करना है। देखो ये जो हम लोग ने चॉकलेट का बाउल सेट बनाया था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है टॉप में। येलो कलर के फ्लावर्स हम लोग बना पाएंगे, बेल फ्लावर्स मैं बना रही हूँ रोज टिप से। पहले पेटल्स बना ली है, इसमें फिर सर्कल आपको ड्रॉ करना है। देखो कितना सुंदर बन गया, एकदम सिंपल आसान तरीके है ये बनाने का। एंड पर्पल विथ वाइट एंड येल्लो, दिस इज़ गोइंग वेरी वेल, बहुत सुंदर और एलिगेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे मेरे पास थोड़े से सिल्वर बॉल्स है तो मैं वो थोड़े थोड़े अप्लाई कर रही हूँ, तो जो सिल्वर शाइन वाला इफेक्ट है वो मेंटेन और रहेगा। थोड़ा रिच लुक देता है आपका केक। एंड इट इज़ रेडी, देख सकते हैं आप। ऐसे और काफ़ी सारे केक्स के लिए आप यम्स एंड प्लिम्स को ज़रूर देखते रहे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।